जब हम लोग आज सोचते हैं महाराष्ट्र के बारे में, तो पूरा एक जो हिस्ट्री है प्रोग्रेसिव थॉट की महाराष्ट्र की, जो हम लोग हमेशा बातें करते हैं कि एक संतों की भूमि रही है, तुकाराम को हम लोग आज भी याद करते हैं, उनके दोहे, भक्ति मूवमेंट था, फिर हम लोग ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का नाम लेते हैं, कैसे उन्होंने इन सनातनी लोगों से खिलाफ एक संघर्ष किया, शाहू महाराज की नगरी है जहाँ से मैं आती हूँ, और फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमि है जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया हम लोगों को, तो ऐसे हम लोग बहुत प्राउड फील करते थे और सब जगह बताते कि हम लोग महाराष्ट्र से इन लोगों की भूमि से है। लेकिन कॉमरेड पानसरे ने उस दिन ये कहा कि हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमेशा से महाराष्ट्र इस तरह से प्रोग्रेसिव नहीं था, महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव बना संघर्ष से बना, और कौन सा संघर्ष था, किनके खिलाफ संघर्ष करके महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव बना, तो एक ऐसी परंपरा महाराष्ट्र में हमेशा से रही है जिन्होंने प्रोग्रेसिव और रैशनलिस्ट थॉट को ख़त्म करना चाहा। और हम लोग चारवाक से भी आ सकते हैं, बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो गई थी, महाराष्ट्र में ही सावरकर जी का ग्लोरिफिकेशन हो गया, सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पहले दे दी थी, महाराष्ट्र ही ऐसी भूमि है जहाँ नथुराम गोडसे पैदा हुआ और जिसने महात्मा गांधी जी की हत्या की, महाराष्ट्र ही ऐसी भूमि है जहाँ आई एम नथुराम गोडसे स्पीकिंग, मी नथुराम गोडसे बोलतो है, इस नाम का एक प्ले लिखा गया, स्टेज किया गया, और ऐसा एक क्लास महाराष्ट्र में है कि जो इन्जॉय करता है वो। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की ये जो दूसरी परंपरा है वो भी हमको ध्यान में रखने चाहिए, और ये अभी जब से सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में भारतीय जनता पक्ष का जो राजकीय अंग है आरएसएस का, उन ये सत्ता में आए हैं, ये फोर्सेस, कम्युनल फोर्सेस बहुत बढ़ गए हैं, तो महाराष्ट्र में एक तरफ से तो ये लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे सामने आए हैं कि जैसे द हूट का रिपोर्ट है, सीआईडी क्राइम ब्रांच ने एक रिपोर्ट दिया है कि जिसमें क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है महाराष्ट्र में जो पहले नहीं था, औरतों का पर जो अत्याचार होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है, तो दलितों पर अत्याचार हो रहे इसमें बहुत बढ़ोतरी हो गई है, ये सब मुझे लगता है कि दूसरा एक महाराष्ट्र का अंग है जो एक रिग्रेसिव चेहरा सामने आके रखता है और वो भी संघर्ष बहुत कड़ा बन गया है। आप क्या सोचती, क्योंकि आप तो कोल्हापुर कॉलेज में पढ़ाती है, लॉज बच्चों के साथ में काम करती है, तो ये माहौल क्यों बना है? मुझे लगता है कि ये कुछ सालों की बात नहीं है, ये बहुत सा एक बहुत बड़ा टाइम स्पैन हो गया है जिसमें इन कम्युनल फोर्सेस ने, ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने एक हिंदुत्व की अलग सी पॉलिटिकल इमेज लोगों के दिमाग में डालना शुरू कर दिया था। सनातन संस्था जो इन खूनों में इन्वॉल्व है, उनके साधक इन्वॉल्व है, मुझे याद है कि इनकी भी एक वायलेंस की परंपरा रही है, 2003 से ये लोग अलग अलग बॉम्ब एक्सप्लोजन के केसेस में इन्वॉल्व थे, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने बताया है, पकड़े गए हैं, अरेस्ट किए गए थे, तो मुझे लगता है कि एक तरफ से एक वायलेंस का भी हिस्ट्री बन गया है इनका, और दूसरी तरफ थॉट लेवल पर भी, जैसे सनातन संस्था है उनकी एक निकलती है सनातन प्रभात नाम की पत्रिका निकलती है जिसमें ये हिंदुत्व का नारा देते हैं, और ये हमेशा लिखते हैं कि 2023 में इनको ये भारत एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये पब्लिकली बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि आज जो यहाँ भोपाल में जिस तरह से हुआ कि एक कल्चरल प्लेटफॉर्म पर एक्टिविस्ट भी है, पोएट्स भी है, और साथ में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा शेयरिंग भी हो गया, क्योंकि हम लोग भी जानना चाहते हैं कि दूसरे जगह पर क्या हो रहा है, तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ हमारा अंदरूनी जो एक थॉट है वो बेस एक है और हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, तो एक जगह आना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, और हमारी जो आगे वाली लड़ाई है उसमें हम लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर कैसे आगे जा सकते हैं।